सिकनेस के अंदर, मेक श्योर कि आप उनको जो है वो ठंडे पानी से नहीं नहलाएं, ठंडे पानी से उनकी स्पंजिंग ना करें। टेपिड वाटर का मतलब है कि सादा पानी, जो नलके का पानी जो रूम एयर टेम्परेचर पर है। अच्छा सर, वो एक क्या टेम्परेचर है जिसके बाद बस कहते हैं अब उसके ऊपर से चादर हटा दो और ये ब्लैंकेट हटा दो और पंखा खोल दो और उसके नीचे खोल, वो किस टेम्परेचर पे हम लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए सर, आप बताइए। हाँ, ये तो अब जैसे ख़ासतौर से जो बच्चे फेब्राइल फिट्स वाले हैं तो उसमें तो कोई ज़्यादा ही मोहतात रहना होता है, 101 पे ही पड़ जाता है उसको। और एक ये कि ये कंसेप्ट बहुत ही गलत है कि वो बुखार को कहते हैं ठंड लग गई, इमोशंस हो रहे होते हैं तो कहते हैं ठंड लग गई है। ये बहुत सारी मिथ्स हैं हमारे माशरे के अंदर, उनको दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब ये कि कंसेप्ट कि उसको ठंड लग गई है तो उसको ऑलरेडी बुखार है और मज़ीद उसको कवर करना तो वो एडवाइजेबल नहीं होता। और न्यूबॉर्न्स के अंदर भी अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे को खूब रैप करके लेके आते हैं पेरेंट्स और उसको जनाब बुखार हो गया, उसके बाद में इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। आपने कहा उसको प्रॉपर टेम्परेचर में रखें तो ना इंजेक्शन की ज़रूरत है ना रैपिंग की। तो ये अच्छा, बड़ा इंफरादी और कॉमन सेंस की बात है। उनको आप बताएं कि देखें एनवायरमेंटल टेम्परेचर इतना है, आपने इतने कपड़े पहने हुए हैं तो इसको क्या ज़रूरत है आप इतने कंबल में लिटाए हुए हैं। और जब उनको यकीन आ जाएगा कि ये ठंड से बुखार नहीं है तो वो गैर ज़रूरी उसको कवर नहीं करेंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे, दवाएँ दे के उसको कम करने की कोशिश। हमारे माशरे में दूसरा मसला वो गर्म और ठंडी दवा जो है और वो स्ट्रॉन्ग और वीक मेडिसिन का बहुत है, गर्म दवाएँ ठंडी दवाएँ। अच्छा सर, ये भी होता है बच्चों में ज़रा सा उसको फीवर हुआ नहीं, बच्चे को एक एंटीबायोटिक दवाई तो चलो पिलाना शुरू कर दें, साथ साथ उसे कोई बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली एंटीबायोटिक भी, ये कोई ना कोई इन्फेक्शन इसकी बॉडी में ठीक होती रहेगी, तो ये भी ये करना चाहिए इस तरह की चीज़। हाँ, ये काफ़ी तासर होता है कि बस अगर बुखार है तो ज़रूरी है कि वो जो है एंटी उसे बैक्टीरियल होगा, ये काफ़ी कंसेप्ट है। लेकिन कई दफ़ा वायरल फीवर भी हो सकते हैं, अगर एक बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है और आप उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं एक दो दिन, तो आप उसको सिर्फ एंटीबायोटिक्स या बुखार दूर करने वाली दवाएं देके ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन अगर बुखार चल रहा है, दो दिन से ज़्यादा हुआ, या बच्चे में तबीयत उसकी बेहतर ख़राब की तरफ जाने लगी, तो फिर आप उसको इन्वेस्टिगेशन करें, वर्कअप करें और साथ में फिर एंटीबायोटिक दें। हर बुखार जैसे कि पहले बात की गई जो है वो इन्फेक्शन से नहीं होता है। सही, ठीक है ना। बुखार के अलावा जो और वजूहत हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं उसके अंदर, कैंसर्स वगैरह हैं, बहुत ही रेयर है लेकिन वो भी होते हैं, तो और भी कई वजूहत हैं बुखार की। और हर इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल नहीं होता, नहीं। तो एंटीबायोटिक से काम नहीं होगा, वायरल भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, मोस्टली वायरल ही होते हैं, तो वो खुद ही ठीक हो जाते हैं दो तीन दिन के अंदर। यहाँ पर ये है कि जो भी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं डॉक्टर के पास, वो बगैर किसी एंटीबायोटिक के जाने के मूड में नहीं होते। उनको कन्विंस करना, उनको कन्विंस करना कि इसको, इस बच्चे को या इस वक्त एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। मेरे पास तो जो एडल्ट्स आते हैं वो जब पहुंचते हैं फीवर के साथ, तो उन्होंने दो या तीन एंटीबायोटिक्स के कोर्स कर चुके होते हैं। एक आपने जो फीवर के मुताबिक बात की है। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी तो है ना, वो कहते हैं जब हम एंटीबायोटिक कोर्स करते हैं तो बच्चे का फीवर ठीक हो जाता है, जैसे उसका कोर्स खत्म होता है दो तीन दिन में दोबारा शुरू हो जाता है, ये भी तो एक चीज़ है। यही एक चीज़ है कि इसका मतलब है कि उसको एक ज़्यादा गौर से देखने की, तशखीस करने की ज़रूरत है कि ये फीवर कहाँ से आ रहा है। और अगर एंटीबायोटिक्स ने हेल्प नहीं किया, पहले तो आपने एंटीबायोटिक्स शुरू कर दिए ना, हम वही बात कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स को कम इस्तेमाल करना चाहिए बजाय इसके कि, और फौरी तौर पर स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए, एक दो दिन रुक के। एक तो वो बच्चे की या बड़े की जो इम्यूनिटी है या कुव्वत मुदाफ़ियत, उसको मुकाबला करने देना चाहिए, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप दें, और फिर राइट एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर भी बेधड़क बेजा किस्म की एंटीबायोटिक्स जो है ना बेताशा इस्तेमाल होती हैं। हमारे पास एक कॉल है सर, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर से ही बात कर रहा हूं। जी डॉक्टर अनवर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। आज चूंकि आप फोकस कर रहे हैं फीवर को, देखिए फीवर जो है वो बाद औकात एक सिम्टम के तौर पे आता है हमारे सामने और बाद औकात एक साइन के तौर पर। एक चीज जो इसके अंदर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि एक अच्छा क्लिनिशियन यानी पीडियाट्रिशियन और फिजिशियन वो है जो कि अपने पेशेंट को क्लोजली और बहुत अच्छी तरीके से फिजिकली एग्जामिन करें उसके हर सिस्टम को, क्योंकि बाद औकात लो ग्रेड फीवर्स जो होते हैं और अगर पेशेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो अपना डाइट भी नॉर्मल ले रहा है, अपने वर्क पे भी बिल्कुल नॉर्मली जा रहा है, उसकी फिजिकल जो है वो कोई फिटनेस में फर्क नहीं है, और उसको 99 और बाद औकात 99.5 और 100 तक भी होता है, तो वो सिर्फ वायरल फीवर्स होते हैं। और एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये वायरल फीवर्स बाद औकात पेशेंट बिल्कुल एक्टिव होता है, परसिस्ट
करते हैं फॉर इवन 22 डेज, लेकिन चीज ये होती है कि पेशेंट को किसी और सिम्टम्स ना हो डेवलप और कोई और साइंस उसके फिजिशियन को ना मिले. अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप उसको सिर्फ सिम्टोमेटिक पे रखें कि अगर 100 टेम्परेचर होता है तो वो सिर्फ एक पैनेडॉल एक्स्ट्रा ले जिसमें कोई हार्म नहीं है. लेकिन हमारे यहाँ चीज एक और भी है कि हमारा कंट्री जो है वो ट्रॉपिकल डिजीजेस, हमारे यहाँ कंट्री में जो सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो हमें ट्रॉपिकल डिजीजेस के ऊपर करना चाहिए, रेयरिटीज के ऊपर बहुत कम और एक साथ जंप नहीं करना चाहिए. अगर हम एक साथ जंप करेंगे रेयरिटीज की तरफ तो प्रॉब्लम्स आती हैं एक. और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि अगर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का अच्छी तरह सिस्टम वाइज किया है और उसके बाद नहीं हो रहा है तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएं और अकॉर्डिंगली जो सिम्टम साइंस मिल रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने पेशेंट को प्रेस्क्राइब करें तो मेरा ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर अनवर. अच्छा सर, यहाँ मेरे जहन में एक चीज आ रही है, कुछ लोगों को जो मैंने देखा है कंटिन्यूसली लो ग्रेड फीवर, जैसे हम कहते हैं बहुत हाई नहीं जा रहा, 100 से ऊपर नहीं जा रहा उनका फीवर ज़्यादा, और 100 तक उनको फीवर रह रहा है, जाता नहीं है, और ये ओवर ईयर्स 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 लो ग्रेड फीवर, ये क्या चीज़ है सर? ओवर ईयर्स तो नहीं होता, ये तो एग्जैजरेशन है. अच्छा नहीं, लोग बताते हैं बहुत सालों से बस ऐसे ही चलता आ रहा है, उसका मतलब वो थक जाते हैं, थकावट से उनका टेम्परेचर ज़रा बढ़ जाता है, फिर वो एक दो डिग्री बढ़ा देते हैं. कोई भी शख्स 100 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर के साथ सालों नहीं रह सकता, सालों नहीं रह सकता, हफ्तों में चल सकती है बात. तो क्या, और क्या डैमेज करेंगी ये चीजें अगर इतनी लो ग्रेड ही बहुत अरसे तक रहा तो? लो ग्रेड आपको मैंने कहा ना कि जहाँ पर फीवर जो है वो आम तौर पे किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, वायरल है, बैक्टीरियल है, पैरासाइटिक है, जो भी है, अगर इन इन चीज़ों में नहीं है फीवर, इसकी कोई वजह नहीं नज़र आ रही, तो फिर आपको देखना है कि कहीं खुदा ना खास ऑटो इम्यून डिजीज, जिस तरह डॉक्टर ने कहा, जैसे लूपस है, आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या किसी और जो चीज़ है, या कोई वैस्कुलर प्रॉब्लम है, या खुदा ना खास्ता किसी को कोई कैंसर है, तो वो उस तरफ देखना पड़ता है आपको कि ये किधर चीज़ मिल रही है. अच्छा, 99 जो मैं पॉइंट आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब अब आपने अच्छी तरह से डॉक्टरों को देख लिया है, बहुत सारे टेस्ट भी हो गए हैं, कुछ नहीं मिला है, 99% ऑफ द सिचुएशन लाइक दिस दे आर बेनाइन, कोई दे आर टोटली नॉर्मल, और वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं. अरे कहते हैं कि कुछ सिचुएशन में तो आपको मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है लेने की. बहुत सारे ऐसे मेडिसिन लोग पेशेंट मैंने देखे हैं जिनको कई हफ्तों से बुखार था, कई कोर्सेज कर चुके थे, कई मेडिसिन ले चुके थे मुख्तलिफ, और उनकी उनको सस्पेशन ये था कि इसको बोलते हैं ड्रग फीवर, दवाइयों की वजह से फीवर हो रहा है, ओवरडोज की वजह से, दवाइयों की वजह से फीवर हो रहा है. ओवरडोज हो रहा है नहीं हो रहा है ये नहीं मुझे अंदाजा. अच्छा. कह सकते मगर ड्रग फीवर है. इन दैट केस आप उनकी दवाइयाँ रोक देते हैं. यहाँ पर अच्छा. कुछ लोगों को बड़ा शौक है मल्टीविटामिंस का और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खाने का, इससे तो नहीं होता, इनसे तो नहीं बुखार, इनमें किसी एक इन जो फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन के अंदर जब आते हैं, जब आप ड्रग फीवर की बात करते हैं तो उनमें आपको इन तमाम चीज़ों को देखना है. अच्छा. इसमें आपको उनकी वो होम्योपैथिक मेडिसिन भी देखनी है, हकीम वाली दवाई भी देखनी है, और हमारी जो मेडिसिन हैं वो भी देखनी है कि उनकी वजह से फीवर तो नहीं हो रहा. ओके, मेडिसिन की वजह से भी फीवर हो सकता है. हमारे पास एक कॉल है जी, 10 कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग मिसेस आमिर. आप तो नहीं, आपके पीछे बच्चों से पहचाना है मैंने आपको, बताया. कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है. बच्चों से रिलेटेड बात हो रही थी तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास. हाँ जी पूछिए. अच्छा, मुझे ये सबसे पहले तो पूछना था कि मेरे जो ट्रिपलेट्स हैं वो एक तो 8 मंथ में पैदा हुए थे प्रीमेच्योर से. तीनों 8 मंथ में ही? हाँ डेफिनेटली तीनों एक साथ. अच्छा, दूसरा ये कि उनके वेट जो थे उस वक्त बिल्ड करती 1.2 केजी, 1.4 केजी और 1.6 केजी थे. अच्छा, ठीक है. हाँ जी, और 1.4 और 6 वाले बेबी जो है उनकी हाइट और वेट बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है. लेकिन जो 1.2 वाली मेरी बेबी जो है, मतलब वो बजायर तो बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह खाने पीने में एक्टिव है, बहुत बिल्कुल फिजिकली वो बिल्कुल फिट है, लेकिन उसकी हाइट जो है वो उन दोनों के मुकाबले में 2 से 3 इंच का फर्क है. अच्छा. और हाँ, और फिजिक वाइज भी है, मतलब वैसे वो अब तो 2 साल के हो गए ना, अब 2 साल के हो गए, और फिजिक वाइज भी जो है एज कम्पेयर टू उन दोनों बच्चों से मेरी वो बच्ची जो है वो थोड़ी सी वीक है, लेकिन सब मुझे यही कहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास कंपेरिजन है
तो इसलिए तुम कंपेयर करती हो, अगर तुम किसी एक बच्चे को देखो तो 2 साल का बच्चा इतना ही होता है। अब मुझे नहीं पता कि 2 साल का बड़े वाले बच्चों जितना होता है कि छोटे वाले बच्चे जितना होता है। मैं उसके बारे में जो हम काफी वरिड रहती हूँ, जबकि सब मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 2 साल के सिंगल बेबीज, जो मेरे वो छोटी वाली बेबी जितने भी। आप मुझे एक बात बताइए, आप डॉक्टर के पास पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं? सबके पास गई हूँ। वो कहते हैं क्या? कहते हैं नहीं, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है ये, माशाल्लाह सबसे पहले ये बच्ची मेरी चलने लगी थी, सबसे पहले ये बोलने लगी थी, सबसे पहले ये खान बहुत एक्टिव है, कहते हैं कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे मेरे पास कंपेरिजन है ना, मैं दिन रात देख रही हूँ कि ये दिन रात देख रही है। अच्छा दूसरा ये कि उसी बच्ची को मेरे गैस्ट्रिक इशू है। हाँ शुरू से ही, मतलब पहले बहुत ज्यादा था छोटी थी तो, लेकिन अब कभी कभी होता, लेकिन स्टिल है। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरी वाली जो मेरी बेटी है उसके साथ, वो उसके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है हेल्थ वाइज, लेकिन जब वो पैदा हुई थी तो उसके फोरहेड पे एक डॉट के बराबर एक लाल निशान था। ठीक है, तो मैंने जैसे जैसे वो बढ़ती रही तो वो लाल निशान बढ़ता रहा। अब वो एक पॉइंट जैसे छोटा सा डॉट है, बिल्कुल ना मटर का दाना होता है ना, इतना उभरा हुआ नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट उतना है। अच्छा, तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि ये जो है ये ब्लड की वेन्स का एक पूरा जाल होता है, और ये बोले ये बिल्कुल अलाइव है, इसका ध्यान करना कि कभी इस पर कुछ कट ना लग जाए, क्योंकि अगर ये कट लगा तो इसमें खून बहने लगेगा बच्ची को। तो कहेंगे 1.5 साल की होगी जब तक ये बढ़ेगा जितना बढ़ना होगा, और ये 5 साल की होगी तो ये खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो यानी कि 5 साल की उम्र तक खत्म हो जाएगा। तो क्या ये बात सही है? ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे ये जरूर बताएं। हाँ जी बिल्कुल, दोनों सवालों के। तीसरी तीसरी छोटी सी बात ये, हाँ जी जी, कि मेरे बच्चे जो है वो अंडा बहुत शौक से खाते हैं। अरे कितनी लकी हैं आप। तो मैं मेरे बच्चे माशाल्लाह, एक बेबी मेरा एक है या एक से ज्यादा एग आराम से खा लेती है, फ्राइड एग ना, माशाल्लाह। तो अब मुझे ऐसा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ज्यादा है इतने छोटे बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तो काइंडली मुझे पूछ के बताइए। अरे डॉक्टर साहब, आप लोगों ने कुछ पूछना है इनसे? डॉक्टर साहब आप कुछ पूछेंगे? इन्होंने काफी बताया, हम याद करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताया, क्योंकि काफी बात सारी बातें थी। ठीक है जी, मैं बच्चे भी ज्यादा है तो सवाल भी ज्यादा है। चले हम आपको बताते हैं मैसेज आगे, ठीक है? अच्छा जी सर, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम इनके तीनों सवाल, एक तो मैं याद रखने की कोशिश करती हूँ, ब्रेक के बाद हम तीनों सवालों के जवाब देते हैं। आप भी कॉल करके पूछ सकते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, अभी वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएगा।